तो दोस्त आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप 2023 में या 2023 के बाद फेक एक्सपीरियंस लेटर ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर या कोई भी फेक एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आप अपनी जॉब में लगाते हो तो उसके बाद क्या हो सकता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होगा और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो दोस्त आ, मैं आपको बता दूं देखो पहले ऐसा होता था कि फेक ऑफर लेटर एक्सपीरियंस लेटर ज्वाइनिंग लेटर वगैरह थोड़ा सा इजीली काम कर जाते थे और आपकी जॉब लग जाती थी मतलब मैं बात करूँ दो हज़ार या मैक्स सत्रह तक अगर आप बोल लो इसके पहले का ये काम थोड़ा सा ईजिली हो जाते थे लेकिन अभी क्या हो गया है कि जो बैकग्राउंड वेरीफिकेशन वाली कंपनीज़ हैं या जो करवाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है स्पेशली अगर उसमें मैं बात करूँ मल्टी कंपनी जितनी भी एमेंसीज है हैं तो वो अभी क्या हो गया है क्योंकि देखो जाहिर सी बात है अगर जैसे फ्रॉड बढ़ता है वैसे सिक्योरिटी बढ़ती है चाहे वो टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं जैसे फ्रॉड बढ़ेगा वैसे उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ती जाती है तो उसी प्रकार से अभी हो गया है कि अगर अब आप कोई फ्रॉड करते हो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हो कोई भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अगर आप फेक लगाते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने लगे हैं और पहले ऐसा रूल नहीं था अब कंपनीज आपको ब्लैक लिस्ट भी करने लगी हैं कोई दो साल कोई तीन साल कोई पाँच साल कोई हमेशा के लिए तो ये अभी तक रूल जो है वो एम कंपनी फॉलो करनी है ब्लैक लिस्ट का और इसके बाद में जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्टिकुलर अपनी कंपनी के लिए ब्लॉक करती हैं आप देखो ब्लैक लिस्ट दो तरीके से कैंडिडेट होते हैं एक तो किसी भी कंपनी में उसे जॉब ना मिले और दूसरा होता है कि उस कंपनी से उस कोई एबीसी कंपनी है उस पर्टिकुलर कंपनी से आपको दो साल पाँच साल या दस साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया अब आप ये पूछोगे कि नहीं ये कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ से ब्लॉक हुए हैं तो ये उस कंपनी पे डिपेंड करता है जब आप फेक डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हो जब आप कहीं फेक एक्सपीरियंस लेटर वगैरह लगाते हो तो डिपेंड करता है कि वो किस जगह से आपको ब्लैक लिस्ट कर रही है सारी कंपनी से ब्लैक लिस्ट कर रही है या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी से ब्लैक लिस्ट आप हो रहे हो तो ये मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और जिसको बाई पास करना तो वो इम्पॉसिबल हो गया है स्ट्रिक्ट भी हो गई हैं और जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की कंपनीज़ होती हैं जो दूसरों के लिए वेंडर का काम करती हैं तो वो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से करने लगी हैं और हो सकता है 2023 हज़ार तेईस चौबीस या पच्चीस आने के बाद बिल्कुल चांसेस ना के बराबर हो जाएं और कोई भी चांस नहीं रहेंगे कि आप कोई भी एक्सपीरियंस लेटर या ऑफ़र लेटर या ज्वाइनिंग लेटर किसी दूसरी कंपनी से बनवा के आप दूसरी जगह लगा सको और अभी भी ये चीज़ें स्ट्रिक्ट हो गई हैं और 2023 में कुछ नई कंडीशंस आई हैं आप जाके अगर ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको वो सारी कंडीशंस मिल जाएंगी मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई ना करें जहाँ पे आपको लगता है कि मैं पकड़ा जा सकता या मैं मैं पकड़ और बात करूं। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी मत कभी भी मत मत कभी क्योंकि वहाँ पे तो आप, आप पकड़े ही में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें मेरा ना शुभमैंने ग्रेट मोमेंट एंड फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब यू सो मच फॉर कमिंग